हेलो, वेलकम ऑल टू शौर्य भारत सैनिक मिलिट्री एंड नवोदय स्कूल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज संजय धीरू एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग एट शौर्य भारत। सो बेटा, आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रैक सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 9th के बारे में हम जानेंगे। पहले हम देखेंगे कि आपके नंबर्स का बायफर्गेशन, कि कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के अंदर और रीजनिंग के अंदर। तो बेटा, मैथ्स के अंदर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपके 4 नंबर का, टोटल आपका पेपर हो जाएगा मैथ्स का 200 मार्क्स का, ठीक है ना, 200 मार्क्स। रीजनिंग के हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, मैक्सिमम मार्क्स यानी जो टोटल मार्क्स होंगे रीजनिंग के कितने होंगे 50। तो मैथ्स रीजनिंग मिला के टोटल 250 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। मैथ्स का एक क्वेश्चन 4 नंबर का, रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का। मैथ्स के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं वेटेज ऑफ द चैप्टर्स, बेटा टॉपिक्स, कौन से टॉपिक से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर क्या क्या आ जाता है बेटा, मेंसुरेशन के अंदर आ जाता है आपका एरिया पैरीमीटर एंड वॉल्यूम, एरिया पैरीमीटर एंड वॉल्यूम। इससे आपके 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्ट वैसे फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेंसुरेशन आपको बहुत अच्छे से करना होता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन यानी बेटा 40 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं हमारे एग्जाम में। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के 3-4 क्वेश्चन, SICI के 3-4 क्वेश्चन और स्टैटिस्टिक्स के, जिसको डेटा हैंडलिंग भी कहा जाता है, इसके 5 से 7 क्वेश्चन। जैसे लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो बेटा 7 क्वेश्चन आए थे। सिंपल सा आपको है तो पाई चार्ट दे रखा होगा या बार चार्ट दे रखा होगा, डेटा देखना है, सॉल्यूशन देना है, आंसर देना है। उसके बाद लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इंक्लूड्स फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का जो पार्ट है और आपके अल्जेब्रा का पार्ट है बेटा, उसके आपके 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और गारंटी के साथ इस चैप्टर से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। उसके बाद आती है बड़े ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बेसिक आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इन डेप्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमसे नहीं पूछी जाती है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जांपल दूं तो आपको दे रखा होगा बेटा कोई 3 और 4 करके दे रखा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे पॉइंट्स, इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। देन टाइम एंड वर्क LCM SF के आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ये बेटा हाईएस्ट वेटेज वाले, ऐसा नहीं कि बाकी चैप्टर से नहीं आते, लेकिन इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी सबसे एक एक क्वेश्चन आ जाता है, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, मीन हो गया, इनसे एक एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इनका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। रीजनिंग पे बात कर लेते हैं बेटा। रीजनिंग के अंदर आपके नॉन वर्बल, वर्बल है, दोनों से ऑलमोस्ट सेम टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। वर्बल से अक्सर ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नॉन वर्बल के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बेटा वेन डायग्राम, मिसिंग कैरेक्टर, एम्बेडेड फिगर और सीरीज टेस्ट। जो सीरीज टेस्ट आएगी आपके नॉन वर्बल की, यही एक नॉन वर्बल के अंदर ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट कर सकता है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन बेटा पेपर फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज देखते ही आंसर आ जाता है। सीरीज के अंदर रोटेशन ढूंढना होता है आपको, नए नए जो फिगर्स दे रखे होते हैं उनको ढूंढना होता है। तो टाइम कंज्यूमिंग और आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट करने वाली चीज कौन सी होती है आपके, सीरीज टेस्ट होती है। क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, और जो बच्चों से हम बात करते हैं वो बोलते हैं सर सीरीज टेस्ट के क्वेश्चन के अंदर हमारा टाइम ज्यादा चला गया, ठीक है। वर्बल के अंदर हमारे पास आता है कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज टेस्ट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, इनके बेटा 2-2 क्वेश्चन, कभी कभी 3-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रैंकिंग एंड अरेंजमेंट एंड सीरीज टेस्ट, कौन सी, वर्बल वाली, अल्फाबेट है, अल्फा न्यूमेरिक है और नंबर सीरीज की, इसकी सीरीज टेस्ट आते हैं। 60 to 70% क्वेश्चन आज फ्रॉम वर्बल रीजनिंग, बेटा वर्बल रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। अब देखो एग्जाम में अप्रोच क्या रहेगी, किस तरीके से हमको अप्रोच करना है। जब आप मैथ्स को अप्रोच करोगे बेटा, आप स्टार्ट करते हो सिंपल चैप्टर, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स का क्वेश्चन तो बेटा 10-15 सेकंड में हो जाता है अगर आपको डेटा समझ में आ गया है तो। बिल्कुल सिंपल सा पाई चार्ट, बार चार्ट दे रखा होगा, सामने डेटा है, काउंट करना है, इनटू डिवाइड, आंसर आ गया। अगर आप इनको करोगे तो इनका आपसे सॉल्व करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने स्टैट्स के 7 क्वेश्चन एक साथ कर लिए, रेशियो के सिंपल से 3-4 क्वेश्चन एक साथ कर लिए, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा जो आपको आगे के क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेगा। स्टार्ट विद क्वेश्चन फ्रॉम नॉन वर्बल, बेटा रीजनिंग अंदर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो नॉन वर्बल रीजनिंग से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सामने आप देख रहे होते हो कि क्वेश्चन है, इमेज दे रखी होती है, समझ में आया तो आंसर आ गया, वरना उसको स्किप कर दो, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन पे 2 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। जैसे मैंने सीरीज टेस्ट का एग्जांपल दिया था नॉन वर्बल के अंदर, आपने एक बार देखा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और देखा, आपने देख लिया, 2 बार देख लिया, मेरे से ये नहीं हो रहा, स्किप कर दो बेटा, वापस आएंगे हम, वापस कर लेंगे, हमें टाइम मिलेगा, लेकिन आपने उस पर पूरा 10 मिनट वेस्ट कर दिया 1 या 2 क्वेश्चन के ऊपर, तो पीछे जो क्वेश्चन आ रहे होंगे ना वो भी चले जाएंगे। तो अगली चीज आपकी बेटा वही है कि किस क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना है। मैथ्स के अंदर एवरेज जो टाइम रहेगा बेटा 90 सेकंड रहेगा, यानी 1.5 मिनट के आसपास आपको टाइम देना है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ क्वेश्चन 15 सेकंड में भी हो जाएंगे, जैसे रोमन नंबर दे दिया, ठीक है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे क्वेश्चन दे दिया, फैक्टराइजेशन का सिंपल सा, एल्जेब्रा का सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, ये 15-20-25 सेकंड में हो जाते हैं।
अब जब सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात करूं, मैं इंसुलेशन की, उसके अंदर कुछ कोई क्वेश्चन होगा बेटा जो 2 मिनट भी ले सकता है, 2.5 मिनट भी ले सकता है, क्योंकि कैलकुलेटिव आता है वो, डेसिमल के अंदर कैलकुलेशन आ जाती है। तो ऑन एन एवरेज आपको 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम किसी को नहीं देना है। रीजनिंग के अंदर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग 30 सेकंड भी मैं कहूंगा ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप लेके चल सकते हो, 30 सेकंड ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जब आप वर्बल रीजनिंग करोगे तो उसके अंदर सीरीज टेस्ट एक ऐसी चीज होगी बेटा जो आपके 1 से 1.5 मिनट ले लेगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपके 50 to 60 सेकंड यानी 1 मिनट में हो जाएंगे। तो एग्जाम में अप्रोच आपको इस तरह की रखनी है कि भाई किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा स्किप कर दो बेटा, वापस आगे उसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।